सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका की देख लें। इसके की से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन करेंगे और ये फ्रेंड्स इसका इग्निशन ऑन हो चुका है। ये रहा फ्रेंड्स इसका मीटर कंसोल और क्या क्या फीचर्स मिलता है इस स्कूटी में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसका इंजन साउंड सुना देते हैं। ये रहा फ्रेंड्स इसका इंजन साउंड। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका आप फ्रंट लुक देख लें। फ्रंट प्रोफाइल से कुछ इस प्रकार से आपको ये स्कूटी दिखती है। और फ्रेंड्स मैं आपको इस स्कूटी का नाम बता दूं, यह है फ्रेंड्स ऑल न्यू हीरो मेस्ट्रो 125S का एक्सटेक मॉडल। और ये फ्रेंड्स हाल ही में ये स्कूटी लॉन्च हुई है और इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बाइक में आपको मिलता है DRL। ये रहा फ्रेंड्स इसका DRL लाइट। इंडिकेटर फ्रेंड्स आपको हेलोजन में कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको फ्रंट में डिस्क का वेरिएंट देखने को मिल जाता है। टायर साइज की अगर बात की जाए 90x90 12 इंच का आपको कंपनी टायर प्रोवाइड करती है TVS ब्रांड का। उसके बाद कनेक्ट आप देख सकते हैं, एज का लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट आपको हेडलैम्प सेटअप फुल्ली LED कंपनी प्रोवाइड करती है। हीरो का लोगो देखने को मिल जाता है 125 का लोगो। कलर ऑप्शन की अगर बात की जाए तो मैट ग्रे में आपको यहाँ पे येलो का महाधमाका ग्राफिक्स देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स इसके मीटर कंसोल में। तो मीटर कंसोल में ये इंडिकेटर का लाइट मैं बंद कर देख सकें। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है फ्रेंड्स आपको, लो फील वार्निंग का, किलोमीटर का सिग्नल, ट्रिप ऑन ट्रिप टू। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे टाइम का फीचर्स बताएगा, लो फील वार्निंग, चेक इंजन लाइट और मोबाइल चार्जिंग का फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। डाटा केबल लगाने का थैला वगैरह आप यहाँ आसानी से टांग सकते हैं। फ्रेंड्स i3S की ब्रांडिंग, सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे। और इसमें फ्रेंड्स आपको लो बीम हाई बीम का फीचर्स देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स ये रहा इसका पास का स्विच, जो कि आप दबाएंगे तो पासिंग का काम करेगा। इंडिकेटर यहाँ पे मिलता है। कितना फ्रेंड्स इसका हॉर्न, आप हॉर्न चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्रेंड्स इसके, इस स्कूटी में भी साइड स्टैंड नहीं लगा हुआ है, बट इसमें आपको मिलता है साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर्स। और फुटेज मिल जाता है और लेडीज फुटेज इसमें अभी लगना बाकी है फ्रेंड्स, वो AC सीरीज में आता है। सिंगल सीट कंपनी प्रोवाइड करती है, ग्रे वंडर सिंगल प्रोवाइड कर देती है। और बैकलाइट में कंपनी LED और हेलोजन में कंपनी इंडिकेटर प्रोवाइड करती है। सिंगल एग्जॉस्ट मिल जाता है। रियर में आपको TVS ब्रांड का ही सेम टायर देखने को मिलता है। साइज थोड़ा सा आपको मोटा मिलता है 90x100, 10 इंच का कंपनी यहाँ पे टायर प्रोवाइड कर देती है। और राइट एंगल से आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको व्यू मिलता है इस स्कूटी का। काफ़ी मस्कुलर लुक में हीरो कंपनी ने इस स्कूटी को लॉन्च किया है, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस स्कूटी का डिमांड है और अच्छा सेल है। परफॉर्मेंस जो है इस स्कूटी का काफ़ी अच्छा है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल आप ले लें, काफ़ी ज़बरदस्त स्कूटी है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके माइलेज के बारे में। तो माइलेज 50 प्लस आराम से निकाल लगी ये स्कूटी माइलेज। और बात कर लेते हैं इसके ऑन रोड शोरूम प्राइस के बारे में। तो 2022 का जो ऑन रोड शोरूम प्राइस है, 1 लाख के अप्रॉक्स में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है फ्रेंड्स। ये अगर हम इस स्कूटी को कंपेरिजन करेंगे TVS एंटॉर्क 125 में, तो उस स्कूटी का फ्रेंड्स जो प्राइस है वो है 1,10,000 के अप्रॉक्स में। बट आप देखेंगे तो ये भी 125cc का इंजन इसमें मिलता है। फीचर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एंटॉर्क से काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी है। और प्राइस की अगर बात की जाए तो 10,000 का डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो आप लेने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब ऐसे बाइक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।